गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 8, दैट इज सीजन्स। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो हमारी अर्थ है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? सन के अराउंड, ठीक है। इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कम्प्लीट वन रिवॉल्यूशन। और जो हमारी अर्थ है उसको सन का पूरा एक रिवॉल्यूशन कम्प्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। दिस पीरियड इज कॉल्ड द सोलर ईयर। और इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? सोलर ईयर, ठीक है। एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसके साथ साथ वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, ठीक है। इट्स राउंड एंड इट मूव्स अराउंड द सन। हमारी अर्थ क्या है? राउंड शेप में है, ठीक है। और वो क्या करती है? सन के अराउंड मूव करती है, ठीक। सन के चारों ओर घूमती रहती है, उसका चक्कर लगाती है। द अमाउंट ऑफ हीट एंड सनलाइट रिसीव्ड बाय इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड हेंस वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स। जब हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, तो क्या करती है? हमारी अर्थ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट हीट और सनलाइट रिसीव करती है, जिसकी वजह से हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक। दैट इज़ वाई व्हेन इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट इज़ विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसी कारण से जो हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, उसके कारण ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर समर है तो उसके अपोजिट जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर क्या होगा? विंटर होगा, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट हैपन्स। और ये कैसे होता है, चलिए वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ सीजन्स आर कॉज्ड। अब आपके सीजन्स कैसे होते हैं, किस वजह से होते हैं, आपको वो पढ़ना है, ठीक है। आपको उसका सीजन्स होने का जो कारण है उसको आपको पढ़ना है। लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली। आपको ये जो पिक्चर दी हुई है इसको बहुत ध्यान से देखना है। यू विल फाइंड दैट व्हेन वन पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव सन रेज डायरेक्टली, द अदर पार्ट रिसीव स्लांटिंग रेज ऑफ द सन। आप इस जब इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अर्थ का एक पार्ट है वो सन की डायरेक्ट रेज को रिसीव करता है और उसका जो दूसरा पार्ट है वो सन की स्लांटिंग रेज को रिसीव करता है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज सन एंड दिस इज द अर्थ, ठीक है। ये आपकी एक्सिस है, अर्थ की एक्सिस है, ठीक है। हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है। यह आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यह आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक। नाउ लुक एट दिस, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे सन की रेस डायरेक्टली रिसीव हो रही है किस पार्ट पे? अर्थ के नॉर्दर्न पार्ट पे, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका समर सीजन होगा। और सदर्न हेमिस्फीयर पे स्लांटिंग रेज, सन की स्लांटिंग रेज रिसीव होती है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? विंटर सीजन होगा, ठीक। अर्थ हमारी क्या करती है? अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए, आपका ये इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही है, ठीक है, मतलब और यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर पे स्लांटिंग रेस, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे के पूरे पार्ट पे सन की डायरेक्ट रेस नहीं पड़ रही है, ठीक है। पूरे पार्ट पे जब सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है तो आपका समर सीजन होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी यहाँ पे आपका डायरेक्ट रेस पड़ रही है लेकिन यहाँ पे आपकी स्लांटिंग रेस रिसीव हो रही है, ठीक है। इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ऑटम सीजन होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका स्प्रिंग सीजन होगा, ठीक है। नाउ इन दिस पिक्चर, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है और ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पे क्या हो रही है? सन की डायरेक्ट रेस कौन रिसीव कर रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही है तो यहाँ पे कौन सा सीजन होगा? समर सीजन होगा, ठीक। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्लांटिंग रेस रिसीव हो रही है तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? आपका विंटर सीजन होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा? आपका सदर्न हेमिस्फीयर में स्लांटिंग रेस रिसीव होंगी तो आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका स्प्रिंग सीजन होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑटम सीजन होगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी थोड़ी बहुत डायरेक्ट रेस पड़ती है, बाकी स्लांटिंग रेस पड़ती है, ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग सीजन क्या होता है? ना ही ज़्यादा
स्प्रिंग सीजन में ना ही ज़्यादा हॉट होता है ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पूरे पार्ट पे नदर हेमिस्फेयर के पूरे पार्ट में सन की डायरेक्ट रेस नहीं पड़ रही है, ठीक है, थोड़े बहुत पार्ट पे डायरेक्ट रेस पड़ती है, बाकी स्लांटिंग रेस पड़ती है। इस वजह से नदर हेमिस्फेयर में कौन सा सीजन होता है आपका, आपका नदर हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होता है, ठीक है। देयरफॉर व्हेन द नदर्न हेमिस्फीयर वेयर द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली इज हॉट एंड एक्सपीरियंसेस समर। इसी वजह से जो हमारा ये नदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे सन की रेस डायरेक्ट डायरेक्टली पड़ती है, ठीक है, जब सन की रेस डायरेक्ट पड़ेंगी तो फिर यहाँ क्या होगा, हॉट होगा, इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा सीजन होगा, समर सीजन होगा। द सदर्न हेमिस्फीयर इज कोल्ड एंड हैज़ विंटर, और यहाँ सदर्न हेमिस्फेयर में स्लांटिंग रेस पड़ती हैं सन की, ठीक है, तिरछी किरणें पड़ती हैं सन की, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड होता है, और यहाँ पे कौन सा सीजन होता है, विंटर सीजन। दस द सीजन्स आर कॉज्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस। जो सन का जो सीजन है वो किसके कारण होती है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है, ठीक है, और जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे ये झुकी हुई है, ठीक है, ये अर्थ की एक्सिस है, ठीक है, और ये अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, ठीक है। तो सीजन्स होने का जो कारण है वो क्या है, आपका जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है सन के अराउंड और अपनी एक्सिस पे जो झुकी हुई है, ठीक है, इसकी वजह से सीजन्स होते हैं। रिवॉल्यूशंस ऑल्सो कॉजेस वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, और रिवॉल्यूशन की वजह से ही जो हमारी डे एंड नाइट की जो लेंथ है, ठीक है, उसमें वेरिएशन होता है, ठीक है, कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रात छोटी होती है, ठीक है, ये जो डे एंड नाइट का जो लेंथ में वेरिएशन है वो किसकी वजह से होता है, रिवॉल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।